वेलकम टू इंग्लिश योगी, अ चैनल फॉर द स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फोबिया, उसका मतलब क्या होता है, उसके कौन से इंग्लिश में वर्ड्स है, दैट वी विल डिस्कस इन द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यह आता है कि फोबिया क्या है, व्हाट इज फोबिया। तो फोबिया इट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइटी, मतलब एक प्रकार का डर होता है। और इस डर के अंदर हम तो क्या करते हैं, अगर हमको डर लग रहा है तो हम एक तो उसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड द थिंग, या फिर हम उस डर के साथ जीते हैं, डिस्ट्रेस के साथ हम जीते हैं, एंडियर करते हैं उसको हम, दैट इज वॉट द फोबिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे फोबिया है जिसको हमको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहला फोबिया आता है एक्लोफोबिया, मतलब इसे कहते हैं हम फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में जिसको डर लगता है तो उसको हम कहते हैं एक्लोफोबिया। नेक्स्ट आता है एक्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। एरोफोबिया, फ्लाइंग ऑफ, वी कैन से जिसको उड़ने से डर लगता है, उड़ान का डर, उसको कहते हैं हम फियर ऑफ फ्लाइंग। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एगोरोफोबिया, मतलब जिसे डर है फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, खुले स्थानों पर जाने का, तो उसे कहते हैं हम एग्रोफोबिया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्मोफोबिया, इट इज कॉल्ड एक्मोफोबिया, मतलब जिसे सुई या नुकली चीज़ों का डर लगता है, फियर ऑफ नीडल्स एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, तो उसे हम कहते हैं एक्मोफोबिया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, दैट इज वॉट अल्गोफोबिया, इट इज वॉट अल्गोफोबिया, और जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ पेन, मतलब दर्द का डर जिसे लगता है, तो उसे हम कहते हैं अल्गोफोबिया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, दैट इज अमैक्सोफोबिया, इट इज अमैक्सोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग इन कार, मतलब जिसको कार के अंदर बैठने का डर लगता है तो उसे हम कहते हैं, कार में सवार होने का डर, तो उसे हम कहते हैं अमैक्सोफोबिया। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, दैट इज एंड्रोफोबिया, जिसे पुरुषों का डर लगता है, फियर ऑफ मैन, दैट इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया। उसके बाद में देन लेटर ऑन इट इज कॉल्ड एंजिनोफोबिया, इसका मतलब ये होता है फियर ऑफ एंजिना या चोकिंग, मतलब जिसे घुटन का डर लगता है तो उसे हम ये कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट एंथ्रोपोफोबिया, मतलब ऐसे लोग जिनको लोगों का डर लगता है या सोसाइटी का डर लगता है या समाज का डर लगता है, तो उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोफोबिया। एंड देन लेटर ऑन इट इज कॉल्ड अरक्नोफोबिया, इट इज कॉल्ड अरक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर, जिसे मकड़ियों का डर लगता है, तो उसे हम ये कहते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट अरिथमोफोबिया, जिसे फियर ऑफ नंबर्स हो, नंबरों का डर लगता हो, तो उसे हम कहते हैं अरिथमोफोबिया, उसे कहते हैं हम अरिथमोफोबिया। उसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्राफोबिया, जिसे तूफानों का डर लगता है, फियर ऑफ स्टॉर्म, तो उसे हम कहते हैं एस्ट्राफोबिया। देन नेक्स्ट है अटैक्सोफोबिया, जिसे डिसऑर्डर का डर लगता है, अनटाइडीनेस का डर लगता है, अव्यवस्था का डर लगता है, तो उसे हम कहते हैं अटैक्सोफोबिया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एटोलोफोबिया, जिसे इम्परफेक्शन का डर लगता हो, तो उसे हम कहते हैं एटोलोफोबिया। देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट अटोफोबिया, जिसे अकेले रहने का डर लगता है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, तो उसे हम अटोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है, thank you for watching this video, and if you like this type of video, please share and comments, and we will have this type of video in the future also. Thank you for watching this video.